पंचकुला के डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह और एसीपी सुरेंद्र सिंह हेडक्वार्टर खुद रेड पर थे। सभी थानों के प्रभारी भी रेड पर रहे मौजूद। पंचकुला के सेक्टर 5 के एक नाइट क्लब में 14 हुक्के बरामद किए गए। काबिले जिक्र है कि पिछले कई दिनों से नाइट क्लबों और हुक्का बारों के बाहर लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई थी। पिछले सप्ताह ही नाइट क्लबों के बाहर 3 बड़ी वारदात हुई थी। इसके अलावा पंचकुला में हुक्का परोसने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके हुक्का बारों में हुक्का परोसा जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा पंचकुला पुलिस को दिए गए थे आदेश। आदेशों की पालना करते हुए पंचकुला पुलिस ने मेगा ऑपरेशन के तहत पंचकुला के कई नाइट क्लब, लाउंज बार और हुक्का बारों में रेड की। आएंगे आज सैटरडे नाइट है, कितने क्लबों की सर चेकिंग की गई और सर क्या रहा सर? पंचकुला शहर के अंदर जितने भी क्लब हैं सारों को चेक किया गया, सारे चेक किए गए। जोरा ने लैंड ड्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमने नाके भी लगाए गए, ड्राइव एंड ड्रंकन के नाके लगाए गए। सेक्टर 5 में द एस लॉज के नाम से कैफे खुला, उसके अंदर हमने उसका जो बैन किए थे, चल रहे थे, उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो सर दो क्लब ऐसे थे जिसके अंदर रात 1 बजे तक सर डीजे पार्टी चल रही थी और आपने उनको चेतावनी भी दी है सर कुछ डीजे के लिए सर? नहीं, उनका ये था कि उनका ऊपर पार्टी चल रही थी, पार्टी चलने पर उनके साउंड सिस्टम की जो हमारे पास कंप्लेंट थी, हमने उनको जाकर के उनको वार्न किया कि आप जो है ये गलत टाइम से म्यूज़िक बजा रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती मान ली और उनको भविष्य में ऐसी गलती न करने की उन्होंने हमें आश्वासन दिया। इस वजह से हमने सिर्फ उनको वार्निंग देकर छोड़ दिया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।